जो नए अभी चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में और बीजेपी को बहुमत मिला है, ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर कई चर्चा चल रही है। जो मुख्यमंत्री थे वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या दिखता है, क्या विचार है? देखिए, हम तो जो लोग विजयी हुए हैं उनको शुभकामना देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना चाहेंगे कि उन्होंने जनता के विश्वास को एक बार फिर जीता। मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए ये पार्टी का अपना विषय है, हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन एक जनता होने के नाते और आपके पूछने के नाते अगर विचार व्यक्त करना हो तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जब आपकी पार्टी जीत रही है तो केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में केवल उनके हार जाने मात्र से उनको कैसे रिजेक्ट करते हैं। उनके हार जाने का तो सीधा मतलब यह है कि वो पूरे प्रदेश में ध्यान दे रहे थे, उन्हें अपने स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में कम ध्यान दे रहे थे। जिस व्यक्ति ने अपनी परवाह नहीं की, अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रदेश भर में काम करता रहा, उस व्यक्ति को केवल अपने क्षेत्र में हार जाने मात्र से रिजेक्ट कर देना हमको तो ठीक नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि धामी जी अभी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फिर से आपको बहुमत मिला है, इसलिए धामी जी को ही मौका देना चाहिए। 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से फिर से लड़ करके वो सदन के सदस्य हो ही जाएंगे, बाकी तो पार्टी को तय करना है। गुरुजी, यूपी के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत चुनाव लड़ा है, हमने भाजपा की सीटें कम कर दी हैं, तो उसको लेके क्या रहे हैं? देखिए, ये तो सत्य है, तथ्य है कि भाजपा की सीटें कम हो गई, इसमें अखिलेश कहें चाहे मायावती कहें चाहे कोई कहे, जो सत्य और तथ्य होता है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन यह भी सही है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि हम सरकार को बदल देंगे, बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है, तो हम तो नहीं पाए, तो इस तथ्य को भी हमको स्वीकार करना होगा कि हम जितना दम भर रहे थे उतना हम नहीं कर पाए। जरूर भाजपा की सीटें कम हुई हैं, लेकिन सरकार तो बनी हुई है। ये माना जाता है कि सरकार बन जाना महत्वपूर्ण होता है, जैसे चुनाव में 1 लाख से कोई जीते और 1 वोट से कोई जीते, दोनों जीत बराबर ही होती है विजय की चुनाव आयोग की दृष्टि में। उसी तरह से कम सीटों के साथ सरकार बनाई कि ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाई, इसका क्या महत्व है? सरकार बनी और सरकार अपना काम करेगी। अखिलेश यादव जी ने जो इच्छा की थी वो नहीं वो पूरा कर पाए, उनको अपनी असफलता के बारे में ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए और गुण दोष पर विचार करना चाहिए। जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा चली कि वो खालिस्तान के समर्थ है, इस तरीके की भी बातें आई चुनाव के दौरान, तो प्रचंड। देखिए, सवाल यह है ना कि ये चर्चा तो ऐसी आती है और ऐसी चर्चा आती है तो हम लोगों के कान खड़े होते हैं, शरीर में रोमांच होता है कि देश विरोधी जो शक्तियाँ हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, अगर लिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी बातें कहने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो ऐसी बातें कही गई कि वो तो खालिस्तान से फंडिंग हो रही है उनकी, केंद्र में सरकार बनी हुई थी, अगर ऐसा कोई आरोप था आया था तो उसको जाँच करा करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। अब सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तो कह रहे हैं कि खालिस्तान से इनका संबंध है, उनकी फंडिंग से जीत रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा कहना मात्र नहीं चाहिए, अगर ऐसा है तो बहुत ही विचारणीय है, तत्काल इस पर आयोग बैठा करके जो भी तरीका हो तरीका अपना करके जांच कर देनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो पर्दाफाश करके उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया तो कुछ दिनों के बाद तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। जी, चार राज्यों में अगर है तो चार राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल सरकार बनी है, तो उसको लेके प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा देखते हैं या नरेंद्र मोदी का क्या मानते हैं? भाई, हम जो व्यक्तिगत रूप से विचार रखते हैं वो ये रखते हैं कि चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति बन जाने के बाद पार्टी से ऊपर व्यक्ति हो जाता है, वैसे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या किसी भी संविधान के पद पर बैठने के बाद शपथ ले लेने के बाद उसको प्रधानमंत्री का कार्य करना चाहिए, मुख्यमंत्री का कार्य करना चाहिए, या मंत्री है तो मंत्री का कार्य करना चाहिए। एक तरफ हम मंत्री हैं ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है,
अगर सबका होता है तो किसी एक पार्टी का प्रचार क्यों करता है। हमारा ये कहना है कि अगर वैसे तो किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुनाव का प्रचार करना ही नहीं चाहिए, उसको प्रधानमंत्री का काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पद पर है तब तक उसको अपना, उसके भी बहुत काम होते हैं, व्यस्तता होती है उसकी, उसको देश का काम छोड़ करके चुनाव प्रचार के लिए समय निकालना हम उचित नहीं समझते। लेकिन अगर प्रचार करना ही है तो फिर उसको सब पार्टियों का करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबका प्रधानमंत्री है, वो तो सबका मुख्यमंत्री है। तो सबका मुख्यमंत्री मैं हूँ, सबका प्रधानमंत्री हूँ, ये एक बात बात कही जाती है, और फिर किसी एक पार्टी का वही व्यक्ति प्रचार करता है तो हमको तो देख करके बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या मामला है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के प्रचार का सवाल है, प्रधानमंत्री जी चुनाव के प्रचार में सबसे आगे रहते हैं। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता इतना सन्नद्ध, इतना प्रतिबद्ध हमको आज तक नहीं दिखाई दिया है जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो वो चुनाव प्रचार करते हैं, दिल लगा करके करते हैं, और फिर सफलता भी प्राप्त करते हैं। महाराज जी, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, भाजपा सरकार ने पहले वादा किया था और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इस तरह से देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि आप अगर लंबे हैं तो आपको थोड़ा सा दबा करके छोटा कर दिया जाए, ये अगर थोड़ा छोटे हैं तो इनको थोड़ा खींच करके तान करके लंबा कर दिया जाए और दोनों को बराबर कर दिया जाए। हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। हमारा ये कहना है कि भगवान ने जैसा जन्म इनको दिया है, जैसी कदकाठी इनको इनके DNA ने दी है, उसी कदकाठी में जीने का इनको अधिकार है। उसी तरह से कोई धर्म का हो, अपने धर्म के अनुसार जीने का सबको अधिकार है। हम सबको बराबर कर देंगे इस चक्कर में सबको कुछ कटौती कर देना, सबके धर्म में हस्तक्षेप कर देना, ये धर्मनिरपेक्ष सरकारों का काम नहीं हो सकता है। ये जो बात है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की, ये आपत्तिजनक है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी भी धर्म में, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे बौद्ध जैन भाई हो, किसी के धर्म में तब तक हस्तक्षेप का अधिकार ये लोग नहीं रखती हैं जब तक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है जिससे सबके जीवन को प्रभाव पड़ रहा हो, माने लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाए अथवा स्वास्थ्य का कोई बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाए, उसमें आपत्तिकाल में कोई हस्तक्षेप करना हो तो सरकार होने के नाते भले करें, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप है। ये जो सिविल संहिता की बात की जाती है, समान नागरिक संहिता की, समान नागरिक संहिता तो अपने देश में है। जो आपराधिक मामले हैं अपने देश में वो मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों में भेद नहीं करते हैं, एक ही धारा अपराध करने पर अपने देश में सदा से लग रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आपराधिक मामलों में समान संहिता बनी हुई है, लेकिन जो सिविल मामले हैं उन सिविल मामलों में भी आप कहते हैं कि हम समान कर देंगे। कैसे कर देंगे? समान कर दो, चलो सब हिंदुओं को नमाज पढ़ना मुसलमानों के साथ शुरू करवा दो, कर सकते हो, या सब मुसलमानों को पूजा करना सिखा दो, कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि उनको नमाज पढ़ने से थोड़ा रोकोगे, इनको पूजा करने से थोड़ा रोकोगे, माने दोनों में कटौती करोगे। तो ये तो हस्तक्षेप है। हम समझते हैं कि अपना देश स्वतंत्र है, यहाँ पर हमारे धर्म के, वैयक्तिक निजता के और दूसरे दैहिक अनेक मूल अधिकार प्राप्त हैं हम लोगों को, धर्म के पालन का भी हमारा मूल अधिकार है। हमारे ऋषि महर्षि जैसा हमको बता गए हैं हम उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, सब हिंदुओं को भोगना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू के समय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह विच्छेद कानून, हिंदू कोर्ट बिल के नाम पर आया था और हम लोगों की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके कानून बना दिए गए हैं और आगे भी इसी नाम पर बहुत सारे कानून बनेंगे। तो ये बिल्कुल अस्वीकार है। हम चाहते हैं कि सिविल मामलों में हमको स्वतंत्रता रहे, हम हिंदू भी अपने ढंग से अपना रहें और मुसलमान, ईसाई वो भी अपने धर्म नियमों के आधार पर अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। और जहाँ तक आपराधिक मामलों का सवाल है, आपराधिक मामलों में पहले से ही समान संहिता लागू है। ठीक 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 देखिए संतों का ऐसा सीधा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है और जनता जिसको चुन देती है हम लोग उसी को अपना
आशीर्वाद शुभकामना जो कुछ भी है देते हैं और आशा अपेक्षा करते हैं कि ये जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करें। हमारी शुभकामना है जो लोग जहाँ जहाँ जीतते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, मुख्यमंत्री के दो कैंडिडेट दोनों हारे, चाहे धामी जी हों चाहे हरीश रावत। देखिए जो हरीश रावत जी उम्र उनकी अधिक प्रचार में हो सकता है ना जा पाए, पुराने व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत से लोग कार्य करते हैं, परिणाम ऐसा है। जहाँ तक धामी जी का प्रश्न, हम समझते हैं कि धामी जी ने अपनी स्वयं की कास्ट कैसे की परवाह नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए ऊर्जा से काम करते रहे, तो इसलिए दोनों की हार का अलग अलग मायने हैं। हमारी दृष्टि में लोग अपने अपने ढंग से आकलन करते हैं, हमारा मानना है कि धामी जी इसलिए हारे क्योंकि वो पूरे प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए कार्य कर रहे थे और उन्होंने जीत दिया। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पद के पहले के दावेदार माने जा रहे थे, आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री दोबारा नहीं? भाई मुख्यमंत्री के लिए ये शर्त नहीं है कि वो खुद जीतता है कि नहीं जीतता है, शर्त ये है कि प्रदेश में जिता के लाता है कि नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो नंबर चाहिए विधानसभा में, वो नंबर जुटाने वाला जो नेता है वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। स्वयं हार गया कि जीत गया उससे क्या मतलब निकलता है। इसलिए हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए धामी से अच्छा कोई कैंडिडेट फिलहाल नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, बहुमत में भाजपा आई, वो व्यक्तिगत हार गए वो इसलिए क्योंकि ध्यान नहीं दे पाए, ज़्यादा परवाह नहीं की अपनी, वो तो अच्छी बात है ना पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए कि जो व्यक्ति अपनी परवाह नहीं करता है, पार्टी और प्रदेश की परवाह करता है तो अच्छा है। हम समझते हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये कोई फार्मूला नहीं है कि वो स्वयं हार गया तो सब जिताने का, इतना सारा जिताने का श्रेय उसको न दिया जाए और उसकी जगह पे किसी को भी ला के रख दिया जाए। कितने मुख्यमंत्री बदलोगे, भाजपा वाले बदलते जा रहे हैं हर 6 महीने में नया मुख्यमंत्री, तो फिर एक रोटेशन कर दो ना कि जितने विधायक जीते हैं जितने दिन उनके पक्ष में आते हों, 5 साल में आप हक दे दीजिए जितने 40-44 में, और सबके दिन गिन दीजिए कि इतने दिन में ये मुख्यमंत्री रहेगा इतने दिन में ये मुख्यमंत्री रहेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, योग्यता अक्षमता प्रतिभा सब देखना पड़ता है। तो जब एक व्यक्ति आपके पास फिलहाल योग्य है तो केवल इतने मात्र से कि वो अपने क्षेत्र में हार गया उसको पीछे कर देना, हमको तो ठीक नहीं लगता है, हमारे अपने व्यक्तिगत विचार है, बाकी तो पार्टी को तय करना है जो जो तय करें। यूपी में जिस तरह से योगी जी की जीत हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, फिर से दोबारा से योगी आए हैं, ठीक है उनका स्वागत है। प्रचंड बहुमत तो नहीं कह सकते, उन्हें बहुमत तो हो गया लेकिन जितनी उनकी सीटें थीं उससे घट गई, काफ़ी सारी सीटें घट गई। तो यहाँ तो समस्या ये है कि जो जीता सो सीटें, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री बनने के नंबर हैं इसीलिए आप सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जीत हो रही है। लेकिन अगर खेल की दृष्टि से देखें तो जितने विधायक ले करके वो मुख्यमंत्री बने थे आज उसमें बहुत कम हो गए हैं, तो कम हो जाने से तो अच्छा रिजल्ट नहीं समझते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे इसलिए सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश। बीजेपी ने कुछ वादे किए थे चुनाव से पहले, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो या कुछ अन्य चीज़ें, अब वादों को तो बाद में कह देते ना कि वो जुमला था और क्या था ऐसा सब कुछ कहते हैं बाद में, तो अब वादे तो कोई मतलब नहीं रहे। लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो, जहाँ तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न है हमारा अपना अलग विचार है। हमारा ये कहना है कि आपराधिक मामलों में अपने देश में समान नागरिक समान संहिता लागू है ना, एक ही धारा मुसलमान हिंदू ईसाई सब पर लागू होती है, अपराध करने पर हत्या करने पर वही धारा सब पर लगती है तो समान है। जहाँ तक सिविल मामला है, सिविल मामलों में जिसका जैसा जीवन है उसको वैसे रहने देना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष सरकारों को 1% भी इस बात का हक नहीं है कि धार्मिक मामलों में वो कानून बनाने की चेष्टा करें, क्योंकि या तो आप कहिए कि हम धार्मिक हैं, धार्मिक सरकार बन जाइए, उसके बाद फिर धार्मिक सरकार होने के नाते धर्म में अपना बातचीत करिए, धर्म में हस्तक्षेप भी करिए, तो ये जो धर्मनिरपेक्ष सरकार होकर के धर्म में हस्तक्षेप करना कानून बनाने का मतलब है कि जो धर्म नियम है उनको आप बदलना चाहते हैं, तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार को नहीं है। अगर वो ऐसा करती है चाहे हिंदू धर्म के मामले में करे तो भी गलत, मुसलमान धर्म के मामले में करे तो भी गलत, ईसाई धर्म के मामले में करे तो भी गलत, हम हिंदुओं को जैसे हम चाहते हैं
कि हमारे ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार हमको जीवन बिताने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप ये सरकार क्यों करेगी? और करती है तो वो गलत होगा। तो हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। जहाँ तक आपराधिक मामला है, आपराधिक मामलों में आपने मुसलमानों को छूट देने के लिए आपने बना रखा है। देखिए भारत सरकार की चालाकी, इन्होंने आपराधिक मामलों में मुसलमानों को छूट देने के लिए समानता ला दी, क्योंकि उनके यहाँ कठोर दंड है, हाथ काट लिया जाएगा, आँख फोड़ दी जाएगी आदि आदि, तो उनको सुविधा हो गई अब वर्तमान आपराधिक कानून से, ठीक है। और जहाँ तक हिंदुओं के मामले में, हमारे मामले में हिंदू उत्तराधिकार विधेयक, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, ये सब बना करके, हिंदू कोड बिल ला करके नेहरू जी ने हम हिंदुओं के धार्मिक नियमों में हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन मुसलमानों के विवाह के, आज हिंदू अगर पत्नी बीमार है, अगर वो बच्चा नहीं जन्म पा रही है, कोई समस्या है और इसी तरह के दूसरे कारण हैं, तो किसी भी कारण से जब तक पहली पत्नी है दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमानों के मामले में ये कानून भारत सरकार आज तक पास नहीं कर पाई। जब कर रही थी उस समय यही संसद में बहस हुई थी कि हम अभी हिंदुओं में कर रहे हैं, फिर मुसलमानों में भी तत्काल करेंगे, देर नहीं लगाएंगे। लेकिन आज कितने वर्ष हो गए, आज तक संसद में कहे गए अपने वचनों का पालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार गई, दूसरी सरकारें भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं उठाया। तो माने ऐसा कुछ करके केवल हिंदुओं को ही तो बांधना है, हिंदुओं को ही तो उनको धर्म से विरत करना है, आपको भोगना तो हिंदुओं को है, सुविधा तो मुसलमानों को मिलनी है, दूसरे लोगों को मिलनी है, क्योंकि वो तो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों का भारत के संसाधनों पर पहला हक हो गया है। पता नहीं कहाँ से कौन सा ये नेचुरल जस्टिस हो गया, कौन सा ये कानून आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि जहाँ तक हमारी बात है, हिंदू धर्म की बात है, हम अपने ऋषि महर्षियों के बनाए गए धर्म नियमों के आधार पर अपना जीवन बताना चाहते हैं, उसमें कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार हस्तक्षेप करे हमको स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। एक मांग बहुत जोर से बढ़ रही है कि हिमालय क्षेत्र को कहने की मुस्लिम भी किया जाए, मुस्लिम क्षेत्र जो लोग जा रहे हैं बड़ी, अरे भाई पूरे भारत देश को, केवल हिमालय क्षेत्र को नहीं, मुस्लिम विहीन किया जाना चाहिए। मुस्लिम विहीन करने के लिए मुसलमानों को ही पहल करनी चाहिए, मुसलमानों को ये पहल करनी चाहिए कि हम भारत देश छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने, उनके पुरखों ने कहा था कि हमारा इतना भूभाग बांट दो तो हम चले जाएंगे, धर्म के आधार पर अपने ढंग से रहेंगे हम। तो जब तुमने पाकिस्तान नाम से भारत को बांट लिया, जब बंटवारा हमारा तुम्हारा हो गया, तो तुमको अपनी धरती पे चले जाना चाहिए। और अगर तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम भारत में रहना चाहते हो, तो फिर बंटवारे को कैंसिल करो, फिर से भारत एक हो, हम दोनों मिलकर साथ रहें, जैसे पहले रहते थे, बंटवारे के पहले हम साथ रहते थे, हम आज भी साथ रह लेंगे, रह ही रहे हैं, हम तुमको भाई मानेंगे। लेकिन तुम बंटवारा भी कर लो और फिर हमारे यहाँ भी रहने की बात करो, ये गलत है। नैतिकता अगर होगी किसी मुसलमान में, तो वो नैतिक आधार पर भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि अपने लिए भूभाग वो बांट बंटवारा कर चुका है। ये अनैतिक है, ये इनके जमीर इनके मरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनको स्वयं चले जाना चाहिए, और नहीं तो पाकिस्तान का बंटवारा कैंसिल करके एक साथ रहना चाहिए। हमने तो बात उठाई नहीं थी, हमने तो भारत देश के टुकड़े किए नहीं, हम तो तब भी राजी अब भी राजी। चल भाई तू अलग भूभाग लेकर के अगर ठीक रहता है तो रहे, तो अब अपना चूल्हा भी बना लिया और हमारा भोजन बन गया, अब हमारी पंगत में भी आके बैठे हैं कि हम भी यहीं खाएंगे यहीं सोएंगे। तो बंटवारा काहे के लिए किया था मेरे भाई? मानते कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र है, घोषित करने की क्या जरूरत है? अगर घोषित करना है तो घोषित भी कर दो, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। जैसे ही बंटवारा हो करके मुसलमान राष्ट्र अलग हो गया, दो ही की लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग, वैसे तो हिंदू मुसलमान कभी लड़े नहीं भारत में, सच्चाई तो यही है, आज भी मिलजुल के ही रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के कुछ नेता, मुसलमानों के कुछ नेता लड़ाई की का आभास पैदा करते हैं कि साहब बड़ी लड़ाई है, बड़ी मुश्किल है, ये है वो है करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों पक्षों के नेता लड़ाई घोषित करते हैं, तो लड़ाई करके उन्होंने तो बंटवारा कर लिया। ये तो हिंदू राष्ट्र सदा से था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के अनुसार ही यहाँ पर गतिविधियाँ चलेंगी। किसी को घोषित करना हो तो कर ले, अन्यथा अघोषित रूप से भी ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए, हिंदुओं के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। नहीं चलता है, ये हिंदुओं की अपनी कमजोरी है।